चलिए अब जोड़ते हैं संजीव भसीन साहब को। हफ्ते की शुरुआत और शुभ दिन और शुभ प्रभात संजीव जी, बताइए किस हिसाब से आप इस मामूली सी मंदी को निफ्टी पर ट्रैक कर रहे हैं, 17,330 38 अंक नीचे निफ्टी। हाँ, गुड मॉर्निंग शरेंद्र जी, आपको, वरिंदर को जी को। तो देखिए, मार्केट में डिसेप्शन है, बी वेरी वेरी वॉचफुल। ये अभी जो 30-40 पॉइंट है, मुझे सितंबर के सेकंड हाफ में, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, बहुत वीकनेस दिखती है और ग्लोबली है। सो बी वेरी वेरी वॉचफुल, हेज योर पोजिशन, रेज सम कैश, क्योंकि 16,000 और उससे नीचे भी आ जाए निफ्टी, कोई दो राय नहीं है मेरे को। तो आई एम वेरी वेरी कॉशियस ऑन द मार्केट एंड देर कैन बी अ सडन सेल ऑफ, सो बी वॉचफुल, प्रोटेक्ट योर पोजिशन। आज से जो कॉल्स हैं, मैं पहले भी आपको हेज कॉल ही दे रहा था, एक बाय एक सेल, आज भी मेरे पे एक बाय एक सेल है, तो आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी भसीन साहब, तो पहला है, बाय में है सर गेल। ये जो अभी आपकी प्राइस हाइक होनी है इन गैस प्राइसेस, इट विल बी ह्यूमंगस फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर। आई थिंक गेल इज अ परफेक्ट फिट फॉर दैट। 45-45 में लीजिए, 41 का स्टॉप लॉस, 155 का टारगेट। और सेल में है सर सेल, बेस्ट ऑफ स्टील प्राइसेस हैज प्लेड आउट। स्टील प्राइसेस इनफैक्ट मे बी कट बिकॉज लोकली कंजम्पशन इज गॉट वेरी वेरी बैडली हिट बिकॉज ऑफ ऑटो स्लो डाउन, और ग्लोबली एक्सपोर्ट में उतना मोमेंटम है नहीं। तो आई एम वेरी वेरी कॉशियस ऑन स्टील प्राइसेस। सेल को बेचिए 21.5-22 में, 24 रुपये का स्टॉप लॉस है, 115 से 115.5 का टारगेट, ये दोनों। लेकिन फिर भी मैं दो राय कहता हूं शैलेंद्र जी, यहां पे कुछ कैश क्रेज करना जरूरी है, क्योंकि निफ्टी में 5-700 पॉइंट आपको ऐसे भी दिख सकते हैं जो आपको फिर यू कैन बी कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। तो थोड़ा सा यहां सतर्क रहना बहुत जरूरी है। रणनीति फिलहाल निफ्टी पर आती हुई दिख रही है और बहुत ही बढ़िया।